वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनु और आज जो है मैं जा रही हूँ कॉलेज। अभी मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में मैं पहुँचने वाली हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो भी कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि आज हमें मिलेगा टैबलेट। और इवन हम सभी एक्साइटेड थे, क्योंकि वैसे एग्ज़ाम होता है तो हम जाना पसंद नहीं करते, लेकिन आज हम सब जा रहे हैं क्योंकि भाई फ्री का सामान मिल रहा है और हमें टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। अभी हम लोग कॉलेज पहुंच चुके हैं और कॉलेज के पहले ही यहाँ पे एक स्टॉल लगता है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ खा रहे हैं। मतलब भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी इसलिए हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और नेम वाइज हमारा सिटिंग प्लान है, तो वहाँ पे जल्दी से पहुँचना है। पीछे के रास्ते चलिए। इतनी सारी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी थी कॉलेज के टाइम में, तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। और अभी आज फ्री का मिल रहा है टैबलेट, तो इतने बच्चे आए हैं कि जिनकी शक्ल मैंने कभी भी नहीं देखी थी। मतलब पूरे 4 साल में कभी इनकी शक्ल नहीं दिखी, और आज जो है ऐसी ऐसी नई नई शक्ल दिख रही है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। बिलासपुर इस एरिया के जिन्होंने जेवर और गौतम बुद्ध नगर को इंडस्ट्रीज से तराशा है और आप सबके लिए भविष्य बना दिया है, स्वागत। जोरदार ताली बजाइए। आज इतनी खुशी के लिए इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं। अपनी जिंदगी से विष कन्याओं को अभी कुछ दिन अलग रखिए। मैं नहीं समझ पाया, मैं गांव का भोला भाला आदमी था, मेरे पापा के पास गए। हम तो पापा के पास चरणों पे अभी भी बैठे रहते हैं, गालियां खाते रहते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं क्योंकि वो हमेशा सिखाते रहते हैं। किसी की एक पत्रकार सुष्मिता सेन का इंटरव्यू लेने पहुंची, उसने पूछा कि आप आजकल के युवकों को युवतियों को सफलता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी। सभी लोग कान खोल के सुन लेना, अगर सही हो तो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, गलत हो तो बस इग्नोर कर देना। सुष्मिता सेन का जवाब, यहीं से मैं अपने लेक्चर का खात्मा करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज आप तक पहुंच चुकी होगी। सुष्मिता सेन सेड दैट कि लड़के इतना बेवकूफ होते हैं, हाँ मुझे पता है, कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपना करियर दांव पे लगा देते हैं। सही है ना? दूसरी बात ज्यादा सही है। और लड़कियां इतनी चतुर होती हैं कि अपने कैरियर के लिए अपने बॉयफ्रेंड को दांव पे लगा देती हैं। जाएगा चलो अच्छा ठीक है, कोई कन्या सुंदर होती सुकन्या बोलते हैं ना, कोई वर सुंदर होगा क्या बोलेंगे? भाई कन्या सुकन्या होती तो वर भी सुवर ही होगा। शब्दों का अंतर है और शब्दों की सोच में अंतर है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। नाक निकाल कर क्या हाल चाल? हाँ बताओ। मेरा भी खींच लेना। हाँ ठीक है, ये ले मेरा आया मस्त। एक अनुपमा सिंह अंकुर सो गाइस हमें मिल गया है फाइनली हमारा टारगेट मिल गया है और हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि फ्री का सामान हम लेने में पीछे नहीं हटते हैं। कैसा लग रहा है टैबलेट लेके? बहुत अच्छा मिला है। सेम कलर तो ब्लैक तो सबको ही मिला है ना? अरे सिर्फ कवर मिला है। तो टैबलेट तेरा अच्छा? टैबलेट मेरा उधार के लिए दिया। तो हमारी कैब कब से आके खड़ी है और भैया भी गुस्सा हो रहे होंगे, लेकिन देखते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ अपने ऑफिस और अभी जो है टाइम थोड़ा सा बाकी है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है कुछ भी, एंड उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। और आज 2:30 बजे मेरा स्क्रम भी है, बहुत सारे काम भी हैं आज। आज से मेरा काम मेन स्टार्ट होगा और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि स्क्रम वगैरह क्या होता है कुछ पता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे आधे घंटे का है तो लेट्स सी क्या होता है।
तो अभी सब लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आते ही सब लोग कॉफी पी रहे हैं। आदित्य मतलब फ्री का मिल रहा है तो पूरा भर लोगे। किसको बोल रहा है? हर्षित मेरे को बोल रहा है। अच्छा चलना कैंटीन। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं स्नैक्स के लिए और ज्ञान खा रहा है अपना फेवरेट क्या बोलते हैं भाई, समोसा। बहुत दिनों बाद खा, आज सुबह सुबह खाया नहीं, बहुत दिनों बाद बोल रहा है। सुबह सुबह नहीं खाया उसमें मिक्स करके। और मैंने लिया है ये पीनट एंड दिस चाय। और यहाँ पे है चेस, जिसको खेलना है वो चेस खेल सकता है। और यहाँ पे है वीडियो गेम, जिसको खेलना है वो खेल सकता है। अगर कोई खेलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे है कैरम 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 एंड देन दिस गेम, आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गेम। तो बड़ा मज़ा आता है इसको खेलने में। बॉल को ऐसे यहाँ पे डिप ऐसे करना होता है और उसके बाद इसको मारो ऐसे टिचक 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 मारो। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये लड़की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब यहाँ का फ्री का सामान खूब खाते हैं, तो शिवांगी सुबह सुबह आके एक केला एक सेब और साथ में दूध भी पीती है और सुबह से चौथा केला खा रही है अभी। तो पाप चढ़ेगा, पाप नहीं, पाप नहीं चढ़ेगा, मैं सच बता रही हूँ। सुन ना, ये सुबह से चौथा केला खा रही है ना, वो तो कितना केला खा जाती है। वही तो। और अभी ये भी मंगवा चुकी है, देखो भाई सब अंदर वन सब कुछ खाई है। एक तो अभी यहाँ पे ही खाई है आप देख सकते हो, और दो और मंगवा दी। क्या यार शिवांगी, उस पे लांछन लगाया जा रहा है, इन लोगों को गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाए। तुम्हारी वजह से हमने कुछ नहीं सीखा। सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं स्नैक्स करके और अभी थोड़ी देर में हमारा स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, सुबह से नींद आ रही है क्योंकि मैं रात को सो ही नहीं थी। मैं सुबह सोने गई आई थिंक 5 बजे ना भाई, तो 5 बजे सोने गई और उठ भी गई क्योंकि आना भी था कॉलेज। तो नहीं हाँ कॉलेज जाना था क्योंकि हमें टैबलेट मिल रहा था, तो वो तो भैया छोड़ नहीं सकते, भले एग्ज़ाम क्यों ना छूट जाए, फ्री का सामान तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो आपको दिख ही रहा होगा मेरी शक्ल से कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। मेरे को एक फ्रेंड ने भी बोला कि मैं थोड़ी सी अजीब सी लग रही हूँ। तो अभी बैठे हुए हैं हम सब लोग और कुछ लोग अभी स्नैक्स ही कर रहे हैं। मैं तो आ गई क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम बहुत शोर होता है तो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। और अभी आपको व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, मतलब ऑफिस से बाहर देखने के लिए मैं दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस व्यू, इट्स ऑसम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाइट कह रही हूँ मैं, ग्रीन ग्रीन, पूरी ग्रीनरी छाई हुई है चारों तरफ। अरे यार ये क्या दिख रहा है? ओह लाइट है, आई थॉट कि ये क्या है, बट ये तो लाइट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ज्ञान आपको कैसा लग रहा है आज? आज आप टायर्ड फील कर रहे हैं ये बताइए। नींद आ रही है ना, क्योंकि हम सब लोग अपने वहाँ फ्रेंड के वहाँ रुके हुए थे, तो वहाँ पे मतलब हम लोग लेट से सोए, सब लोग लेट से सोए थे, तो इस वजह से हमको नींद बहुत ही ज़्यादा आ रही है। और खाली है हमारा ट्रेनिंग रूम, थोड़ी देर में भर जाएगा, इन सेंस जो भी बच्चे हैं वो आ जाएंगे। ज़्यादा बच्चे हैं नहीं अभी फ़िलहाल, फ्रेशर हम लोग हैं, तो इसलिए हम लोग काफ़ी मतलब हम लोग कम लोग हैं अभी। और बाकी जो काम है वो सब अपना अपना काम करते हैं, हम लोग भी अपना काम करते हैं। और यहाँ पे अनु अपना काम कर रही है, आप देख सकते हैं। क्या कर रही हो? हाय हाय, क्या कर रही हो? यार ये वीडियो देख रही हूँ यार। ओके यार, ये कोई विदेशी पढ़ा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा इसकी इंग्लिश यार। ओए देख ना, ये विदेशी पढ़ा रहा है कोई, तो कहाँ समझ नहीं आ रही इसकी इंग्लिश, हिंदी। चलो अब काफी लेते हैं हम लोग। ये हमारे रवि पटेल, हमारे कॉलेज के टॉपर, और यहाँ पे मैंने और रवि ने स्क्रम ज्वाइन किया हुआ है। तो फाइनली आज का दिन ख़त्म होता है और अभी हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए। डिनर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तो आप अच्छे से देख लो कि क्या क्या था। बहुत ही ज़्यादा डेली अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मैं खूब खाती हूँ। और बाकी सबको भी टेस्टी लगता है। जल्दी से मैं डिनर कर लूँगी और उसके बाद से हम लोग चले जाएँगे घर, क्योंकि डिनर करने के बाद सब घर चले जाते हैं।
इतरा के क्यों देखते हैं लड़कियों के जैसे वीडियो है तो क्या मतलब ऐसे करोगे कि तुम बहुत वो हो पूजा करके खाते हो मेरे पास है ना मेरा मोबाइल ये मेरा मैं ब्लॉक कर रही हूँ तो उस वाले सॉरी उस वाले कंपार्टमेंट में देख लो चार ही था उसमें चार ही था अनु दीदी आप मेरे को देख के शॉक नहीं हुई सिंधु रोशनी का क्या कहना था जब मैं आई हूँ तो बोलो एक मिनट रुकिए फोन में तो आने दीजिए अच्छा ठीक है जा दीदी आप तो चौकी ही नहीं ऐसा क्यों दीदी आप जब गई थी तो ये हाजमोलम खरीद के लाए थे दीदी हाँ दूसरा हाजमोला डाल के दीजिए दीदी कहाँ हाजमोला है दीदी आप तो थक गई होंगी ऑफिस से आइए चलिए सो जाइए तो गाइस चलो मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ द वन एंड ओनली रोशनी यादव जी से आप जो भी हो आप रोशनी पांडव पंडित 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 क्या करें पंडित को पंडित बोलते हैं अच्छा तो रोशनी पांडव जी से और मैं आपको बता दूं कि आज रोशनी बहुत दिनों बाद आई है और रोशनी आई है आज 2 महीने बाद फाइनली और मैं जब एंट्री करी तो ये कहते जा अनु दीदी आप तो चौकी ही नहीं मैं बोली अच्छा ठीक है फिर दोबारा से आती हूँ चौकती हूँ तो रोशनी तो हमारे लिए क्या लेके आई हो कोयले देखी तो जान जाइए अच्छा ठीक है फिर से बोलो अच्छा मैं पूछती हूँ फिर रोशनी यार तुम आई और हमारे लिए कुछ लेके ही नहीं आई रोशनी कुछ लाई हो खाने के लिए खुद ही खा गई वही तो मैं सोचू की बुआ वाला हाल हो गया क्या वो वाली बुआ बुआ अरे 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 इशारों में इशारों आंखों से आंखों की बात रोशनी घर पे थी पर झगड़ा वाला पूरा दिमाग यहाँ पे लगा ये बात तो सच है सही में पूरा व्लॉग देख के एक एक चीज पॉइंट करी है किसने किसको क्या बोला हॉस्टल में क्या हो रहा है क्या नहीं सब कुछ आंख एकदम क्लियर करी आज रोशनी तुम्हारे इसमें चैन नहीं है तुम खुद तो बदतमीज हो ही मुझे भी बदतमीज बना दियो और मैंने इनको बदतमीज बना दिया अब तू खालदा को बना दे बदतमीज अच्छा हाँ वो तो पहले से नो डाउट तो जैसा कि हमारा सेशनल आने वाला है तो मैंने सोचा क्या थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ और साथ ही साथ वीडियो भी अपलोड हो रहा है क्योंकि वीडियो कल पब्लिश भी होने वाला है तो इसीलिए और यहाँ पे सिंधु सो रही है मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और साथ ही साथ पढ़ाई कर रही हूँ बड़ा मज़ा आ रहा था साथ में सब कुछ करते हुए क्योंकि दोनों काम हो जा रहा था गाइस सुबह के 4 बज चुके हैं और अभी मैं सोने जा रही हूँ आप देख सकते हैं लाइट भी ऑफ हो चुकी है मेरे रूम की लाइट ऑफ हो चुकी है कॉरिडोर की लाइट ऑन है और सिंधु भी सो चुकी थी बहुत पहले ही अब मैंने भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और मैं भी सोने जा रही हूँ गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि यू नो दिल्ली ये सब जगहों पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो मैं क्या करती हूँ कि अपना कोई भी कॉटन का कोई भी कपड़ा उसको वाटर से पूरा डिप कर लेती हूँ वाटर में मतलब पानी में पूरा उसको भिगो के उसके बाद अपने शरीर पर रख के सोती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग